सप्लायर क्रेडिट जो है डेट रिलेट्स टू क्रेडिट फॉर इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया, यानी कि जब इम्पोर्ट किया जाना है गुड्स को इंडिया में तो उसके रिगार्डिंग जो क्रेडिट दिया जाता है बाय द ओवरसीज सप्लायर्स, जो ओवरसीज सप्लायर के द्वारा जो क्रेडिट एक्सटेंड किया जाता है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है जो इंडिया से बाहर हैं उनके द्वारा जो क्रेडिट एक्सटेंड किया जाता है फॉर द क्रेडिट फॉर इम्पोर्ट्स इन टू इंडिया, उसे हम क्या कहते हैं, सप्लायर क्रेडिट कहते हैं। तो यूसेंस बिल्स जो हैं अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट जो किसी इंडियन बैंक ब्रांच के द्वारा इशू किए गए हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर इम्पोर्टर्स, दोज आर डिस्काउंटेड बाय इंडियन बैंक्स ओवरसीज ब्रांचेस और फॉरेन बैंक्स। तो उन्हें क्या है, डिस्काउंट किया जाता है इंडियन बैंक्स के द्वारा जो ओवरसीज हैं, जो उनकी ओवरसीज ब्रांचेस हैं या फिर जो फॉरेन बैंक्स हैं वो उन्हें डिस्काउंट करते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट में क्या रहता है, जो पेमेंट्स हैं वो सप्लायर को कर दी जाती हैं बाय द इम्पोर्टर, यानी कि जो भी अग्रीड पीरियड रहता है उस टाइम के दौरान जो सप्लायर को पेमेंट की जानी है वो कर दी जाती है इन द अग्रीड करेंसी एंड जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो भी टर्म्स रहती हैं उनके अकॉर्डिंगली। सो सप्लायर मेक्स वट एवर अरेंजमेंट्स आर ओपन टू हिम, यानी जो कोई भी अरेंजमेंट सप्लायर के पास यहाँ पर अवेलेबल हो पाते हैं सप्लायर उन अरेंजमेंट्स को करता है ताकि वो अपने नाम में अपनी कंट्री में जो पैसा है उसे बोरो कर पाए पैसे को, ठीक है, सो डेट ही कैन परमिट डेफर्ड पेमेंट्स फ्रॉम बायर, ताकि वो डेफर्ड पेमेंट्स ले सके बायर से एंड जो इंटरेस्ट कॉस्ट रहेगी जो इस तरह के फाइनेंस को ऑब्टेन करने में लगेगी वो प्राइस फॉर इक्विपमेंट में रिफ्लेक्ट होगी। सो इम्पोर्टर की लाइबिलिटी किसके लिए रहेगी, इम्पोर्टर की लाइबिलिटी रहेगी सप्लायर के लिए जब तक पेमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती। नाउ लेट अस लुक एट द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द इम्पोर्टर, तो इम्पोर्टर को चीपर फंड्स मिल जाते हैं रॉ मटेरियल के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए, तो शॉर्ट टर्म फंड्स उसको आसानी से मिल गए हैं, किसी तरह का उसके ऊपर क्रेडिट के लिए प्रेशर नहीं रहता है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टर है उसके पास ये एबिलिटी रहती है इस केस में कि वो नेगोशिएट कर पाएगा बेस्ट प्राइस विद द सप्लायर एंड ही इज मोर ओवर एबल टू मीट द सप्लायर्स रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट एट साइट ही पेमेंट जो है रिलाइज हो जाती है एंड जो इम्पोर्टर क्रेडिट का रिस्क होता है वो अवॉइड हो जाता है बाय मेकिंग सेटलमेंट विद द LC। तो मैं इस टॉपिक को रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, जल्दी से इसको समझ लेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो सप्लायर क्रेडिट है वो रिलेट करता है टू क्रेडिट फॉर इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया, यानी कि इम्पोर्ट करने के लिए इंडिया में सामान को इम्पोर्ट करने के लिए जो क्रेडिट दिया जा रहा है एंड क्रेडिट किसके द्वारा दिया जा रहा है, ओवरसीज सप्लायर के द्वारा दिया जाएगा। या तो यानी कि जो जिससे आप सामान ले रहे हैं या तो वो पर्सन आपको ये क्रेडिट एक्सटेंड करेगा, ओवरसीज सप्लायर देगा, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया से बाहर है वो आपको क्रेडिट देगी। सो अगर किसी इंडियन बैंक के द्वारा कोई लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू की गई है, यूसेंस लेटर ऑफ क्रेडिट है वो इशू की गई है, तो उसे यहां पर डिस्काउंट कर दिया जाता है। तो उसे यहां पर क्या कर दिया जाता है, डिस्काउंट कर दिया जाता है। वी टेक द केस कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है जो बाहर ओवरसीज में सिचुएटेड है उसने यहां पर क्रेडिट दिया है तो उसे हम क्या कहेंगे, सप्लायर क्रेडिट कहेंगे ना। तो यहां पर जो लेटर ऑफ क्रेडिट थी जो इशू की गई थी इंडियन बैंक के द्वारा अपने इंपोर्टर के बिहाफ पर उसे डिस्काउंट कर दिया जाता है, उसे डिस्काउंट कर दिया जाएगा, यानी कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसे डिस्काउंट कर देगा ये। एंड मान लीजिए ये लेटर ऑफ क्रेडिट अब इसके पास आ गया, यानी कि जिस जगह पर ये इंडियन बैंक पहले खड़ा था अब उस जगह पर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खड़ी है या फिर सप्लायर खड़ा है, ओके, तभी हम यहां पर कह रहे हैं कि इट अवॉइड्स द रिस्क ऑफ इंपोर्टर्स क्रेडिट बाय मेकिंग सेटलमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो यहां पर क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट की तो सेटलमेंट हो जाती है तो वो जो इंपोर्टर का जो क्रेडिट का रिस्क है वो खत्म हो जाता है यहां पर, ठीक है। तो इंपोर्टर का जो क्रेडिट का रिस्क है वो यहां पर खत्म हो जाता है। सो इस अरेंजमेंट में जो पेमेंट है वो अगर कोई दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो सप्लायर को कर दी जाएगी, तो वो पेमेंट जो है वो सप्लायर को कर दी जाएगी। लाइकवाइज यहां पर ये बायर है एंड ये सेलर है तो सप्लायर को यहां पर पेमेंट कर दी जाएगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, एंड अगर वो सप्लायर हिमसेल्फ है जिसने ये क्रेडिट एक्सटेंड किया है फिर उसका इशू ही नहीं रहेगा कोई, क्योंकि फिर उसने डायरेक्ट पेमेंट जो है वो बायर से लेना है। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, जो भी अग्रीड पीरियड रहेगा, जो भी करेंसी अग्री हुई है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल उसके हिसाब से पेमेंट की जाएगी। सो अगर सप्लायर भी क्रेडिट दे रहा है तो वो क्या करेगा, वो अपने नेम में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन एक्सटेंड करवाएगा एंड फर्दर बोरोअर को एक्सटेंड कर देगा, ओके, एंड जो कॉस्ट होगी इक्विपमेंट की उसमें जो इंटरेस्ट के चार्जेस हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इक्विपमेंट के जो चार्जेस हैं यानी कि जो कैपिटल एसेट है या कोई गुड्स हैं
उसमें इसके जो इंटरेस्ट के चार्जेस हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे. तो दैट इज अ सप्लायर क्रेडिट. नेक्स्ट इट इज बिल्स परचेज और डिस्काउंटिंग अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट. सो पोस्ट सेल ऑपरेशन को फाइनेंस करना अगेंस्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा बैंकर्स के लिए बेनिफिशियल रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो बिल्स हैं उनको प्रेजेंट करते हुए आपको रिसीवेबल्स मिल जाएंगे. यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल की जिस स्टेज में आप खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ आपको बिल्स प्रेजेंट करने हैं और आपको पेमेंट मिल जाएगी. एंड फर्दर जो ऑपरेटिंग साइकिल इस तरह के रहते हैं शॉर्ट टर्म के होते हैं, सेल्फ लिक्विडेटिंग नेचर के होते हैं, यानी कि अपने आप इसके पैसे आ जाएंगे. एंड क्रेडिट इन्हांसमेंट जो रहती है वो इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पर जो बिल है उसे एक्सेप्ट किया गया होता है ड्रॉई के द्वारा, जो कि एक थर्ड पार्टी है. तो आपके पास दो पार्टीज एक तो इन्वॉल्व हो जाती हैं. लाइकवाइज अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज का सिंपल सा केस लेकर चले, यानी कि बिल परचेज का केस लेकर चले, तो उसमें क्या रहता है, एक यहाँ पर रहेगा आपके पास बैंक, लेट इट बी एक्स वाई जी बैंक, एंड यहाँ पर है एक आपके पास सेलर या एक्सपोर्टर कह सकते हैं जिसने सामान को बेचा है, एंड यहाँ पर है एक इम्पोर्टर जिसने सामान को परचेज किया है. तो जब भी सामान को यहाँ पर गुड्स को ट्रांसफर किया जाना होता है तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है यहाँ पर सेलर ने क्या किया, ड्रॉ किया. तो सेलर क्या हो गया, यहाँ पर ड्रॉअर हो गया. बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया वो पर्सन यहाँ पर बन गया ड्रॉई बन गया. एंड एक बार इंपोर्टर यहाँ पर इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये एक्सेप्टर बन जाएगा. एंड क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज अब एक्सेप्ट किया गया है तो इसको भी पूरा पता है कि पैसे इसको मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसको लिक्विडिटी की जरूरत है. तो ये जो सेलर है यानी कि जो एक्सपोर्टर है ये अपने बैंक के पास जाएगा एंड बैंक के पास जाकर ये कहेगा कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर दीजिए या फिर परचेज कर लीजिए. तो बैंक क्या करेगा, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को यहां पर परचेज कर लेगा. तो बैंक के पास दो चीजें होगी, एक तो यहां पर इसके पास सेलर की गारंटी होगी, दूसरी इसके पास क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया गया है इंपोर्टर के द्वारा तो उसकी भी गारंटी होगी. तो ये इसके पैसे तो कहीं भी नहीं जाने वाले हैं. एंड ये सेल्फ लिक्विडिटी है, जैसे ही ड्यू डेट आएगी जो पेमेंट है वो इंपोर्टर के द्वारा ये प्रेजेंट किया जाएगा टू द इंपोर्टर्स बैंक एंड इंपोर्टर का बैंक जो है इसको पेमेंट कर देगा. सो ये सिनेरियो रहता है इन केस ऑफ द बिल परचेज और डिस्काउंटिंग अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट. एंड फर्दर ये जो बिल परचेज किए गए हैं अगर यहां पर लिक्विडिटी का कोई इश्यू रहता है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में खास करके जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है फिर जो रीफाइनेंस जो इंस्टीट्यूट्स रहती हैं वो क्या कर सकती हैं, इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज को फर्दर रीडिस्काउंट कर सकती हैं. लेट अस टेक द केस कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि आप इन बिल ऑफ एक्सचेंज को फर्दर क्या करवा लीजिए, रीडिस्काउंट करवा लीजिए. तो बैंक का लिक्विडिटी भी बना रहेगा एंड मैच्योरिटी आने पर बैंक को इसका जो है पैसा भी मिल जाएगा. ओके साथ ही साथ अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी गाइडलाइंस दी है, रेदर देन कि आप फाइनेंसिंग वैसे करें वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग करें तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर फाइनेंसिंग करें, वहाँ वो ज़्यादा सिक्योर्ड भी है. तो इसका ट्रेंड जो है इंडियन इकोनॉमी में धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. एंड जो सर्विस सेक्टर है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है इकोनॉमिक प्रोफाइल को कंट्री की एंड बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है. एंड ये कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली कर रहा है अगर वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से देखें तो इकोनॉमी में ओवरऑल काफ़ी ये कंट्रीब्यूशन कर रहा है. तो बैंक्स को फर्दर यहाँ पर फ्रीडम दी गई है कि वो अपनी अपनी गाइडलाइंस को असेस कर सकते हैं, सैंक्शन कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है बोरोअर को, एंड साथ के साथ वो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स एज आल्सो बिल लिमिट भी सैंक्शन कर सकते हैं. यानी कि प्रॉपर अप्रेजल के बाद बोरोअर की इन अकॉर्डेंस जो बैंक की लोन पॉलिसी है वो बिल लिमिट भी सैंक्शन कर सकते हैं. तो बैंक्स को कुछ एक गाइडलाइंस के साथ अधेयर करना पड़ता है जब उन्होंने बिल परचेजिंग करनी है, डिस्काउंटिंग करनी है, नेगोशिएटिंग करनी है या फिर रीडिस्काउंटिंग करना है. तो बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट को चाहे ओपन करना है, चाहे जो बिल्स हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर उन्हें परचेज करना है, डिस्काउंट करना है, नेगोशिएट करना है, तो सिर्फ और सिर्फ जो जेन्युइन कमर्शियल एंड जो ट्रेड ट्रांजैक्शंस हैं जो उनके बोरोज की हैं जिन्हें वो रेगुलर सैंक्शन पहले फैसिलिटीज करते रहे हैं सिर्फ उस केस में करना चाहिए. तो बैंक को किसी भी तरह की फंड बेस्ड जैसे कि बिल फाइनेंसिंग होगी या फिर नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करना या फिर गारंटी प्रोवाइड करना या फिर एक्सेप्टेंसीज हैं वो नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट बोरोअर्स को नहीं देनी चाहिए या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर जो है इन केस ऑफ कंसोर्शियम लैंडिंग या फिर अगर मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट है तो उस केस में बैंक को इस तरह की फैसिलिटीज को एक्सटेंड नहीं करना है. एंड ऐसे केसेस जहां पर बिल्स की नेगोशिएशन यानी कि जो बिल्स ड्रॉ किए गए हैं लेटर ऑफ क्रेडिट में उनकी नेगोशिएशन रिस्ट्रिक्टेड है टू अ पर्टिकुलर बैंक एंड जो बेनिफिशियरी है लेटर ऑफ क्रेडिट का इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दैट बैंक, उस बैंक का हिस्सेदार नहीं है. तो बैंक जो इस तरह की लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ कंसर्न्ड है वो प्रोसीड्स को रिमिट करेगा टू द रेगुलर बैंक ऑफ द बेनिफिशियरी. तो जहां पर नेगोशिएबल जो बैंक है वो एक रिस्ट्रिक्टेड बैंक है एंड जो बेनिफिशियरी है उस बैंक का पार्ट नहीं है तो सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस जो नेगोशिएटेड बैंक है, नेगोशिएबल बैंक है, ऐसी केसेस में नेगोशिएशन बैंक है, ऐसे केसेस में
वो प्रोसीड जो होंगी बिल्कुल उन्हें रिमिट करेगा रेगुलर बैंकर को, जो कि बेनिफिशियरी का रेगुलर बैंकर है वो रिमिट करेगा। लाइकवाइज आपको यहां पर समझा देता हूं कि अगर यहां पर जो एस है ये सेलर है, ओके, एंड नेगोशिएशन बैंक एक डिफरेंट बैंक है जो जिसमें एस का कह लीजिए अकाउंट नहीं है, ठीक है। लेट अस से कि एबीसी बैंक है जिसमें एस का अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो एस का अकाउंट कौन से बैंक में, पी क्यू आर बैंक में है। तो यहां पर जो बिल की प्रोसीड्स होंगी नेगोशिएशन के बाद किसे पे की जाएंगी, पी क्यू आर को पे की जाएंगी, डेट इज सेट इन दिस पॉइंट। लेकिन ऐसी जो पेमेंट की जाएगी डेट विल बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। इसी तरह से जो नेगोशिएशन है अनरिस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट्स की ऑफ नॉन कंस्टिट्यूएंट्स की, डेट इज नॉट परमिटेड। जो बैंक गारंटी है या फिर जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक के जो क्लाइंट्स हैं उन्हें इश्यू की जा सकती है अगेंस्ट द काउंटर गारंटी ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक। लाइकवाइज कोऑपरेटिव बैंक जो है वो अपने क्लाइंट को बैंक गारंटी या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना चाहता है तो वो खुद नहीं कर पाएगा, तो कोऑपरेटिव बैंक एक गारंटी देगा अपनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, एंड उस गारंटी को काउंटर करते हुए जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो बैंक गारंटी या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करेगा टू द कोऑपरेटिव बैंक क्लाइंट। तो इस तरह के केसेस में जो बैंक है उसने अपने आप को इस चीज को लेकर सेटिस्फाई करना है कि जो कंसर्न्ड कोऑपरेटिव बैंक है उसका जो क्रेडिट अप्रेजल किया गया है वो साउंड है, एंड जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी रोबस्ट है, यानी कि जो उसने केवाईसी पॉलिसीज ली हैं उनको मेंटेन किया प्रॉपरली। इसके अलावा जो भी बिल्स ड्रॉ किए गए हैं अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट तो उसके केस में जो एलसी इशूइंग बैंक है उन बिल्स को डिस्काउंट कर सकता है प्रोवाइडेड कि जो बेनिफिशियरी है उसका रेगुलर क्रेडिट फैसिलिटीज चल रही हैं दूसरे बैंक के साथ। एंड साथ के साथ इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो बैंक है उसमें कैश फ्लोज को आने से नहीं रोका जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इट सेज बिल्स परचेज्ड डिस्काउंटेड और नेगोशिएटेड अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट, जहां पर जो पेमेंट है वो बेनिफिशियरी को नहीं की गई है तो बिल परचेज किए गए हैं डिस्काउंट किए गए हैं या फिर नेगोशिएट किए गए हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, लेकिन जहां पर जो पेमेंट है बेनिफिशियरी को वो नहीं की गई है या फिर उसे अंडर रिजर्व नहीं रखा गया है तो उसे वहां पर जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशूइंग बैंक है उसके एक्सपोजर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो जो भी बिल परचेज किए गए हैं डिस्काउंट किए गए हैं नेगोशिएट किए गए हैं अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट तो उन्हें एलसी इशूइंग बैंक के एक्सपोजर की तरह ट्रीट किया जाएगा, ना कि बोरोअर के एक्सपोजर की तरह ट्रीट किया जाएगा। किन केसेस में, जहां पर जो पेमेंट की जानी है बेनिफिशियरी को उसे अंडर रिजर्व नहीं रखा गया है, एंड इन केस जो नेगोशिएशन है वो अंडर रिजर्व है तो जो एक्सपोजर है उसे ट्रीट किया जाएगा एज एन एक्सपोजर टू द बोरोअर, उसे बोरोअर के ऊपर एक्सपोजर माना जाएगा तो उस हिसाब से जो रिस्क वेटेज है वो असाइन की जाएगी। सो अगर नेगोशिएशन जो है वो अंडर रिजर्व है तो यहां पर हम टर्म बार बार यूज करें अंडर रिजर्व। अंडर रिजर्व का क्या मीनिंग है कि अगर मान लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो बेनिफिशियरी के द्वारा दिए गए हैं टाइटल टू गुड्स के डॉक्यूमेंट है या फिर जो और डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अगर किसी तरह की दिक्कत रहती है उन डॉक्यूमेंट्स में तो उस जगह पर जो एडवाइजिंग बैंक रहता है ना वो पेमेंट को रोक के रखता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं अंडर रिजर्व कहते हैं। सो अगर जो नेगोशिएशन है वो अंडर रिजर्व है यानी कि डॉक्यूमेंट के इनकम्प्लीट होने के कारण उसे रोक के रखा गया होगा एंड इशूइंग बैंक की वेट की जा रही है कि डॉक्यूमेंट्स के ताकि आगे पेमेंट की जाए ना की जाए, तो जो एक्सपोजर होगा उसे ट्रीट किया जाएगा बोरर के ऊपर एंड उसके हिसाब से जो रिस्क वेटेज है वो की जाएगी। अगर वो अंडर रिजर्व नहीं है तो जो एक्सपोजर होगा वो इशूइंग बैंक के ऊपर होगा एंड नॉट ऑन द बोरर। एंड उन केसेस में जहां पर जो बिल डिस्काउंटिंग है परचेजिंग है या फिर जो नेगोशिएटिंग बैंक है एंड जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशूइंग बैंक है वो सेम ही बैंक का पार्ट है, यानी कि एलसी सेम बैंक की ब्रांच ने इशू की एंड जो नेगोशिएट है वो भी सेम बैंक की कोई और ब्रांच कर रही है ओवरसीज में, तो उस केस में जो एक्सपोजर होगा डेट शुड बी टेकन ऑन द थर्ड पार्टी, तो उसके केस में जो एक्सपोजर होगा किसके ऊपर होगा बोरोअर के पास होगा ना कि इशूइंग बैंक के ऊपर। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, सो इन केस अगर बिल डिस्काउंटिंग की जा रही है परचेजिंग की जा रही है या फिर नेगोशिएटिंग की जा रही है, बिल डिस्काउंटिंग की बात करें नेगोशिएटिंग की जा रही है ठीक है, एंड जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इशू की गई है वो भी सेम बैंक का पार्ट है, यानी कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू की गई वो भी सेम बैंक था एंड जिसने बिल डिस्काउंट किए वो भी सेम बैंक की कोई दूसरी ब्रांच है ओवरसीज ब्रांच है ठीक है, तो उसके केस में जो एक्सपोजर रहेगा बिल्स का बिल डिस्काउंटिंग का वो किसके ऊपर रहेगा, डेट वुड बी ऑन द थर्ड पार्टी यानी कि बोरर के ऊपर रहेगा एंड नॉट ऑन द इशूइंग बैंक। सो बैंक ने जब भी बिल्स को परचेज करना है डिस्काउंट करना है या फिर नेगोशिएट करना है लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर, तो उसके केस में
हमेशा इस्टेब्लिश करनी है जेन्युइननेस को, यानी कि जो अंडरलाइन ट्रांजेक्शन है, डॉक्यूमेंट है, क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। एंड बैंक को इस तरह की जो लेटर ऑफ क्रेडिट है जिन्हें ओपन करना है, या फिर बिल्स की डिस्काउंटिंग करनी है, परचेज करना है, या फिर नेगोशिएट करना है, जो विदाउट रिकोर्स क्लोज के साथ हैं। विदाउट रिकोर्स का मतलब रहता है कि आप दूसरी पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर वो पेमेंट नहीं करती है। तो इस तरह की लेटर ऑफ क्रेडिट को अवॉइड करना है ओपन करने से भी, एंड उस तरह के जो बिल्स हैं उन्हें परचेज, नेगोशिएट एंड डिस्काउंट करने से भी। नेक्स्ट इट सेज बैंक्स में नेगोशिएट बिल्स ड्रॉन अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स बेसिस एज पर देयर डिस्क्रिशन। जो बैंक है, जो भी बिल्स ड्रॉ किए गए हैं लेटर ऑफ क्रेडिट में, चाहे वो विद रिकोर्स है चाहे विदाउट रिकोर्स है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द अबव पॉइंट कि उससे बचना है, लेकिन उसको डिसाइड करना कि आपने नेगोशिएट करना नहीं करना, ये बैंक की अपनी डिस्क्रिशन है, ये उनकी अपनी प्रिसेप्शन है रिगार्डिंग द क्रेडिट वर्दीनेस, यानी कि क्रेडिबिलिटी जो है इशूइंग बैंक की, या फिर उन चीज़ों को ध्यान में बैंक ने खुद रखना है। हाउएवर जो दूसरे बिल हैं जो लेटर ऑफ क्रेडिट के अलावा ड्रॉ किए गए हैं विदाउट रिकोर्स बेसिस पर, उन्हें डिस्काउंट नहीं करना है, उन्हें परचेज नहीं करना है, उन्हें नेगोशिएट नहीं करना है, ये चीज़ जो है वो कंटिन्यूड रहेगी। यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत अगर आपने नेगोशिएट करना है बिल्स को विद रिकोर्स या विदाउट रिकोर्स, वो बैंक की अपनी डिस्क्रिशन है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे बेसिस पर, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट के अलावा अगर बिल्स को ड्रॉ किया गया है विदाउट रिकोर्स बेसिस पर, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन है रिगार्डिंग द परचेज और डिस्काउंट ऑफ द बिल्स। नेक्स्ट इट इज अकोमोडेशन बिल्स शुड नॉट बी परचेज्ड। कोई भी अकोमोडेशन बिल ना तो अपने परचेज करने हैं, ना डिस्काउंट करने हैं, ना नेगोशिएट करने हैं, क्योंकि इस तरह की जो ट्रांजेक्शन रहती हैं, अकोमोडेशन बिल वाली ट्रांजेक्शन रहती हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं रहता, तो वो सिर्फ एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए बिल बनाए गए हैं। तो अंडरलाइंग जो ट्रेड ट्रांजेक्शन होती है उसे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड प्रॉपर रिकॉर्ड करना चाहिए, इन चीज़ों को प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है जब भी ब्रांचेज जो हैं वो बिल्स बिजनेस को कंडक्ट करती हैं। सो बैंक शुड सर्कमस्पेक्ट व्हाइल डिस्काउंटिंग बिल्स ड्रॉन बाय फ्रंट फाइनेंस कंपनीज। सो बड़े जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा जो फाइनेंस कंपनीज को, फ्रंट फाइनेंस कंपनीज को सेटअप किया गया है अपने ही ग्रुप की दूसरी कंपनीज के ऊपर, उन्हें डिस्काउंट करने से पहले बैंक्स को सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी टू नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट बोरोअर्स ऑफ बैंक। तो जो भी जो डिस्काउंटिंग है, रीडिस्काउंटिंग है बिल्स की बाय बैंक्स या फिर एडवाइजिंग बैंक के द्वारा, तो उन्हें किसी भी तरह का नॉन फंड बेस्ड जो फैसिलिटी है नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट बोरोअर्स को एक्सटेंड नहीं करनी है फैसिलिटी है। तो किसी भी तरह की जो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट जो बोरोअर्स हैं उनको एक्सटेंड नहीं करनी है। एंड ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए इम्पोज की गई है ताकि जो फ्रॉड्स हैं उन्हें रोका जा सके, डाइवर्जन ऑफ फंड्स को रोका जा सके, इन केस जो बैंक है वो वन ऑफ ट्रांजेक्शन फैसिलिटीज को सैंक्शन कर दे इन बोरोअर्स को विदाउट असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट नीड्स। यानी कि जो इस्टेब्लिश्ड क्रेडिट नॉर्म्स हैं उनका ध्यान रखते हुए, लेकिन जो बैंक है अगर क्रेडिट नीड्स है जो बोरोअर की उनको असेस नहीं करता है एंड वन ऑफ ट्रांजेक्शन जो फैसिलिटीज हैं उन्हें सैंक्शन कर देता है, तो उसकी वजह से जो फ्रॉड्स हो सकते हैं एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स हो सकता है, उसको रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो ऐसी जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी इसके कारण उन कस्टमर्स के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, दिक्कत खड़ी हो गई है जिनको नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी चाहिए थी, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए थी या बैंक गारंटी चाहिए थी, लेकिन उनकी कोई भी फंड बेस्ड फैसिलिटी किसी और बैंक में नहीं चल रही है। तो बेसिकली रहता क्या है कि जो आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट बोरोअर्स हैं, यानी कि पहले आपके पास कोई भी उनका लोन नहीं चल रहा, आपको किसी भी तरह की उनकी क्रेडिट असेसमेंट, क्रेडिट नीड्स के बारे में नहीं पता है, उनके कैश फ्लोज के बारे में नहीं पता है, तो वहां पर अगर आप बिना असेसमेंट किए, बिना क्रेडिट नीड को असेस किए उनको लोन देते हैं, तो उसके केस में फ्रॉड भी हो सकता है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, लेकिन इसके साथ उनके साथ दिक्कत खड़ी होगी कस्टमर के लिए जो जेन्युइन भी हैं लेकिन जिनका कोई भी फंड बेस्ड जो फैसिलिटी है वो किसी और बैंक में नहीं चल रही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि हमने जो भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ बोरोअर सिस्टम में, उनको कलेक्ट करना है, उनको मेंटेन करना है, ताकि जो ऊपर वाली कंस्ट्रक्शन है उसको रिव्यू किया जा सके अकॉर्डिंगली। इसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया गया है कि जो SCBs हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, वो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज जो हैं वो पार्शियल क्रेडिट इन्हांसमेंट की फॉर्म में, पार्शियल क्रेडिट इन्हांसमेंट की फॉर्म में ऐसे कस्टमर्स को दे सकते हैं जो नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिनकी आपके पास कोई भी फंड बेस्ड फैसिलिटी जो है और किसी बैंक में इंडिया में नहीं चल रही है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, लेकिन कुछ एक कंडीशंस लगा दी है उस केस में
लेट अस लुक एट देम. तो फर्स्ट ऑफ सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज अ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी. तो इसके अकॉर्डिंगली जो बैंक है उसकी अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए, उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो बोर्ड अप्रूव्ड हो ताकि वो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी इस तरह के बोरोर्स को प्रोवाइड करवा सके. सेकंड इज अ वेरिफिकेशन ऑफ द कस्टमर क्रेडेंशियल्स, यानी कि जो बोरोर है जो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी लेना चाहता है वो उसके साथ पहले कोई भी उन्होंने फंड बेस्ड फैसिलिटी नहीं दी है तो उसका कोई भी क्रेडिट रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन्ड नहीं है. यानी कि आपको उसकी अप्रेजल को प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा, कस्टमर के क्रेडेंशियल्स को चेक करना पड़ेगा. हाउएवर जब आपने नॉन फंड बेस्ड जो फैसिलिटी है प्रोवाइड करनी है तो बैंक को प्रॉपर डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी कस्टमर से कि कोई भी जो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है किसी और बैंक में वो इंजॉय नहीं कर रहा है. नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द क्रेडिट अप्रेजल एंड ड्यू डिलीजेंस. जो बैंक है उनको सेम तरह से क्रेडिट अप्रेजल करना पड़ेगा जैसे वो फंड बेस्ड फैसिलिटी के केस में अप्रेजल करते हैं, तो प्रॉपर उनको ध्यान रखना पड़ेगा. एंड फोर्थ वन इट इज रिगार्डिंग द कंप्लायंस विद नो योर कस्टमर नॉर्म्स, यानी कि जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नॉर्म्स हैं या फिर KYC के नॉर्म्स हैं, ताकि जो CFT के द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं PMLA के अंदर जो ऑब्लिगेशंस है बैंक की उनके साथ कंप्लाई किया जा सके, तो इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है बैंक को. एंड जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगी गाइडलाइंस है KYC AML के ऊपर या फिर CFT के द्वारा जो दी गई गाइडलाइंस दैट इज कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म की जो गाइडलाइंस है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की जाती है टाइम टू टाइम, उनके साथ प्रॉपरली अदेयर करना है किसी भी तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज को एक्सटेंड करते हुए. एंड साथ के साथ जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है उसे CICS को आपने फॉरवर्ड करना है, यानी कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो कंपनी है उनको आपने इन रिलेशन इन इन्फॉर्मेशन को कि आपने उनको नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी ग्रांट की है उसको फर्निश करना डिटेल को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेसिफिकली उन ऑथराइजेशन CICS के साथ जो RBI के द्वारा ऑथराइज हैं. एंड ऐसी जो रिपोर्टिंग की जाएगी डैट विल बी सब्जेक्ट टू अंडर द गाइडलाइंस अंडर CIC डैट इज क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के अंडर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फर्निश करनी पड़ेगी. नेक्स्ट इट इज द एक्सपोजर नॉर्म्स. तो बैंक को जो भी उनके एक्सपोजर नॉर्म्स हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किए गए हैं उनके साथ भी अधेयर करना है. लेकिन फिर भी जो बैंक है जो उनको फिर भी यहां पर मनाही है कि वो नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो नॉन कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके रिगार्डिंग लेटर ऑफ क्रेडिट को वो नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे. एंड जहां पर ये पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पर जो नेगोशिएशन मेल है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर किसी पर्टिकुलर बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है एंड जो बेनिफिशियरी है वो कंस्टिट्यूएंट नहीं है उस बैंक की, तो बैंक के पास ये ऑप्शन रहेगी कि वो नेगोशिएट कर सकता है इस तरह की लेटर ऑफ क्रेडिट को सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि जो प्रोसीड्स हैं वो रेगुलर बैंकर जो बेनिफिशियरी का है उसको की जाएंगे, सिर्फ उस बेस पर कर सकते हैं. अगर LC के अलावा किसी तरह की नेगोशिएशन है तो उसे प्रॉपरली रिस्ट्रिक्ट किया गया है, इस चीज को अपने ध्यान में रख लेना है. फॉर द नॉन कंस्टिट्यूएंट्स अगर LC के अलावा अगर कोई और बिल ड्रॉ किया जाता है तो वहां पर नेगोशिएशन जो है वो अलाउड नहीं है.